धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अक्रम रिजकान। ये बात तो देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि पिछले करीब 9.5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर होने वाले धरने प्रदर्शनों पर किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर चाहे धरना प्रदर्शन करते करते 750 किसान ही क्यों ना मर गए हों, यही रवैया, यही हाल उनका संसद में भी देखने को मिलता है। विपक्ष के लोग आवाज उठाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में तरह तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, काले कपड़े तक पहन के आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। यानी सड़क का विरोध हो या संसद में उठने वाली आवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब उनका एक ऐसा बोल बचन सामने आया है जिसके बाद लोग कहने लगे हैं, लो भैया, ना पहले सड़क की सुनते थे, ना संसद की सुनते थे, और अब तो अदालतों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, और अब तो अदालतों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो क्या है मुद्दा जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अदालतों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है? बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पर छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जिसमें विकास तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का ऐसा कहना है, उसे देख लीजिए। ये तस्वीर है भारत मंडपम की। जी हां, उसी भारत मंडपम की जहां पर आज तक G20 चला है। G20 की शुरुआत यहीं पे हुई थी, वो भारत मंडपम डूब गया है दिल्ली में हुई मामूली सी बारिश के बाद। जबकि इस भारत मंडपम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही यशस्वी, ओजस्वी और ऐतिहासिक दावे किए थे और अदालत को भी एक तरीके से ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी, या अदालत में जाने वाले लोगों पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। पर कैसे वो इस जो है भारत मंडपम को दिव्य और भव्य बता रहे थे, पहले वो सुन लीजिए। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था, हमारे देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। सुन लिया आपने, यहीं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों को ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन लगता है कुछ काम मोदी के ही हाथ से होने वाले होते हैं या होने के लिए बचे होते हैं। साथियों, भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। सुन लिया आपने, क्या अंदाज में बताया जा रहा है दिव्यता भव्यता के बारे में, और क्या अंदाज में बताया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपने इतना दिव्य भव्य बनाया है, तो मैं आपके सामने फिर से वो तस्वीरें रख रहा हूं जो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की हैं, जिसमें NDMC के सफाई कर्मचारी वहां से पानी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया, जब इतना मोटा पैसा लगाया, 2700 करोड़ रुपए खर्च कर डाला, रवीश कुमार बता रहे हैं, तो फिर ये पानी कैसे भर गया? आप रवीश कुमार को सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट किया है,
कि जर्मनी ने जब G20 किया था तब मात्र 641 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि अकेले दिल्ली में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, प्रगति मैदान के विकास पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुन लिया आपने रवीश कुमार को, रवीश कुमार ने बताया 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और फिर भी जरा सी बारिश में क्या विकास तैरने लगा भारत मंडपम के अंदर, सीधे तस्वीरों में आप फिर से एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अदालतों को भी कुछ नहीं मानते हैं, तो सुन लीजिए। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। सुन लिया आपने, कुछ लोग इसको रोकने के लिए अदालत गए थे, अदालतों में जा जाकर तरह तरह से मामले को अटका झटका लटकार रहे थे। कुछ लोगों की आदत बन गई है, वो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। हम कहते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अदालतों की बात कीजिए। जब मामला कोई भी अदालत में जाता है और अदालत किसी भी सरकार से पूछती है कि आप ये जो विकास कार्य कर रहे हैं इसका पूरा रोड मैप हमारे सामने रखिए, और 2700 करोड़ रुपये जब आप खर्च कर रहे हैं तो कम से कम आप अदालतों को ये भी बताते होंगे के साहब हम इस तरीके से कर रहे हैं, और अदालत में जाने के बाद अदालत के सवालों का जवाब देते हुए ये भी बताते होंगे कि चलिए साहब इन लोगों की ये डिमांड है, ये लोग ये एतराज़ कर रहे हैं, इसमें हम ये सुधार करने को तैयार हैं और हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके जरिए ये नहीं कहा जा सकेगा कि विकास तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल क्यों ना उठाया जाए कि अदालत में अगर मामला चला जाता है तो फिर भी ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने तरीके से विकास कराते हैं। अगर वाकई में ये सही से विकास कराएं तो 2700 करोड़ रुपए जो खर्च करने का दावा रवीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में किया है, उसके बाद भारत मंडप की ये स्थिति ना होती। यानी ना तो ये सड़कों की सुनते हैं, ना संसद की सुनते हैं, और ना ही अदालतों में जब मामले चले जाते हैं उसके बाद इनके फैसलों में किसी तरीके का कोई बदलाव होता है, सिर्फ मनमानी और तानाशाही चल रही है, यही विपक्ष कह रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख दूं, अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।